दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल पर। और मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी के साथ अब ऑनलाइन यूट्यूब पर जुड़ रहा हूँ, और जिसमें आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, इस हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को बखूबी और सलीके से आप तक पहुँचाऊँगा, जिससे आप लाभान्वित होंगे और आपके परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का जो आधार होगा, आधार ऐसा होगा कि जिस भी प्रश्न पर आप जाएं तो ऐसा पाठ्यक्रम आप तैयार करके जाएं जिससे कि आप वहां पर अपने पर कॉन्फिडेंस महसूस करें कि हाँ, हमने हिंदी कहीं से पढ़ी है। तो इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपने इस पूरे पाठ्यक्रम का, जो कि आजकल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हिंदी एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक परीक्षाओं में बेहतर आपको स्कोर करा सकता है, कम समय में ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। तो इसको आप बेहतर ढंग से समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के हैं, उन सभी में यह सामान्य हिंदी के रूप में पूछा जाने वाला विषय है। और सामान्य हिंदी का एक रूप जो है, जिसको हम कहते हैं मानक हिंदी। और मानक हिंदी ऐसा दृष्टिकोण है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, और इस मानक हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। मानक हिंदी को संवैधानिक यहाँ पर दर्जा प्राप्त है, और जिसके लिए जो पाठ्यक्रम है ये पूछा जाता है हिंदी का व्याकरण, और वो भी सामान्य व्याकरण पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह होती है कि हिंदी तो एक भाषा के रूप में है, हिंदी एक भाषा है। तो अभी हम भाषा पर आते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो व्याकरण है, क्या व्याकरण के लिए वास्तव में भाषा की आवश्यकता होती है। जैसा कि व्याकरण शब्द से स्पष्ट है, विधन आकरण, विधन आकरण। और इसी के साथ साथ हम सारे शब्दों को यहाँ पर विशिष्ट तरीके से तोड़ करके और जोड़ करके इन सभी का अर्थ भी स्पष्ट करते चलेंगे। वी का मतलब होता है विशिष्ट, वी का मतलब होता है विशिष्ट। और विशिष्टता लाना, जब हम भाषा में विशिष्टता लाते हैं, या भाषा में यहाँ पर उसकी शुद्ध लेखनी हो और उसका शुद्ध उच्चारण हो, तो इन सभी तथ्यों के लिए व्याकरण बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि अब यहाँ पर आप शब्द को भी तोड़कर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ई है और यहाँ पर अ है। अब ई और आ मिलेगा और इसको मिलने से या बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आधा वा हो गया, ये ई और आ मिलके या बन जाता है, ई अ ई आ, जैसा कि उच्चारण से ही ये बनता है, ये यण संधि में आता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए हिंदी महत्वपूर्ण है। तो अभी हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं, आने वाली सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा अभी आ रही है यूपीएसआई की, करीब करीब 5,500 ये वैकेंसीज आ रही हैं। और इसी के साथ प्राइमरी जो शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी टीचर की जो भर्ती है ये आ रही है, और जूनियर पीआरटी की भी, जेपीआरटी की भी भर्ती आ रही है, और ये डीएसएसबी में भी बहुत सारी वैकेंसीज है, और राजस्थान टीटी हो गया, रीट जिसको हम लोग बोलते हैं, और यूपी ट्रिपल एससी जो अब ये लेकर के आ रहा है पेट के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट, अभी लेकर के आ रहे हैं प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो इन सभी के लिए हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में है, जिस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सामान्य हिंदी जो है ये मानक हिंदी के रूप में पूछा जाएगा। मानक हिंदी क्या है, इसमें जैसे मानक वर्ण पूछा जाएगा कि मानक वर्ण कौन से होते हैं, मानक वर्तनी कौन सी होती है, और मानक वाक्य कौन से होते हैं। इन सभी से, जैसे मानक वाक्य में शुद्ध वाक्य पूछे जाएंगे, शुद्ध वर्तनी पूछी जाएगी कौन सी शुद्ध या अशुद्ध वर्तनी, और मानक वर्ण पूछे जाएंगे कौन कौन से होते हैं। तो इस पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत आएगा। और हिंदी एक भाषा के रूप में है, हिंदी एक भाषा के रूप में है, जिसका ये महत्वपूर्ण हम लोग पाठ्यक्रम लगातार पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि जब हिंदी एक भाषा है,
भाषा जो शब्द है ये संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है। भाषा जो शब्द है ये संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है बातचीत, जिसका अर्थ होता है बातचीत या जिसको हम कहेंगे बोलना। अब बोलना क्या है कि आपस में, क्योंकि जो मनुष्य है वह सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज में ही रह करके सभी जो भी संप्रेषण के कौशल हैं उनको बेहतर तरीके से करता है और आपस में बातचीत करता है, अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के भावों या विचारों को समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, जो कि संस्कृत के भास धातु से बना है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि धातु क्या होता है। तो धातु एक ऐसा तत्व होता है जिससे क्रिया का निर्माण होता है, जिससे क्रिया का क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, तो क्रिया का मतलब होता है कि किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, क्रिया कहलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब आपसे एक यहाँ पे बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया का मूल तत्व क्या है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप या मूल, तो वह धातु होता है। प्रश्न सीधे यहाँ से पूछा जाता है कि क्रिया का मूल क्या है, तो क्रिया का मूल जो होता है वह धातु होता है और धातु में जैसे ही हम ना प्रत्यय लगाते हैं उससे क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने कहा दौड़ और दौड़ में हमने जोड़ दिया ना, तो ये बन गया दौड़ना। तो इस तरीके से क्रिया बन जाता है। अर्थात भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या बोलना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भाषा है यह संप्रेषण का एक सर्वोत्तम माध्यम होता है। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। अब सीधे यहां से प्रश्न पूछता है, भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। अब यहां से प्रश्न बनेगा, या तो यहां पर खाली स्थान दे देता है, यहां पर माध्यम है, या यहाँ पर दे देगा कि भाषा साधन है, या दे देगा कि भाषा साध्य है। इस तरीके से जब प्रश्न आपसे पूछेगा तो भाषा संप्रेषण का एक माध्यम होता है। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत, अर्थात जो आपस में हम कम्युनिकेशन करते हैं या आपस में जो बातचीत करते हैं उसी को हम कहते हैं संप्रेषण। जैसा कि मैंने बताया, और हमारे एक सामाजिक विचारक भी हैं अरस्तु, जिन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज में ही रह करके अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है तथा एक दूसरे का सहयोग करता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, अभी तक तो हम लोगों ने जाना कि भाषा जो है संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है, धातु क्या है जो क्रिया का मूल रूप होता है, और अब भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा क्या है, संप्रेषण का एक सर्वोत्तम या उत्कृष्ट माध्यम है। जो महत्वपूर्ण यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ थी ये है कि जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी ये फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। सीधे यहाँ पर आपकी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ये भाई फारसी भाषा का शब्द है। अब ये सबसे ज़रूरी प्रश्न यहाँ पर एक पूछा जाता है कि इस हिंदी शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, या हिंदी शब्द किसके द्वारा सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। तो हिंदी शब्द जो था ये हिंदवी नाम से, सबसे पहले हिंदवी नाम से किया गया, और किसने किया, तो फारसी कवि थे जिनका नाम था औफी। फारसी कवि औफी साहब ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, जिनका नाम था औफी। अब एक और महत्वपूर्ण अगर टेक्निकल प्रश्न यहाँ से पूछ ले कि
किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस शब्द का जो प्रयोग हमारे ऑफी साहब ने किया, उस ग्रंथ का नाम था इस्लामिक ग्रंथ, जिसका नाम है जफरनामा। जफरनामा ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ तैमूर लंग के पोते जिनका नाम था सैफुद्दीन यजदी के पोते, सॉरी तैमूर लंग के पोते सैफुद्दीन यजदी के जफरनामा ग्रंथ में सबसे पहला उल्लेख हिंदवी नाम से मिलता है, जिस शब्द का प्रयोग हमारे फारसी कवि औफी ने किया था। अब फारस से इसका क्या संबंध पाया जाता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका फारस से संबंध क्यों कैसा पाया जाता है। देखिए यहां पर या भारत में कह सकते हैं कि एक सभ्यता, जिस सभ्यता का नाम था सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता जो विकसित हुई वो सिंधु नदी के आसपास हुई। ये लोग जब भारत में आए, फारसी जब भारत में आए, तो इन्होंने इसको देखा, यहाँ की सभ्यता को जाना पहचाना, लेकिन उच्चारण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इनका उच्चारण जो ये सा है, ये सा के रूप में ना हो करके या हा के रूप में होता था, सा के रूप में ना हो करके हा के रूप में होता था। जैसे अगर हम देखें, हम लोग जानते हैं सप्ताह, सप्ताह अर्थात सात दिनों का समूह, तो सप्ताह को ये लोग हफ्ता कहते थे, सप्ताह को ये लोग क्या कहते थे, हफ्ता कहते थे। तो इसी प्रकार से यानी सा का उच्चारण हा होने के कारण इन लोगों ने इस सिंधु को हिंदू कह दिया, सिंधु को हिंदू कह दिया, और हिंदू से धीरे धीरे इसका जो विकास हुआ वो हिंदुस्तान के रूप में हो गया कि हमारा जो देश है ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के बाद में यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ये हिंदू कहलाए, और इसके साथ साथ हिंदू के साथ साथ यहाँ पर बोलने वाली भाषा जो हुई वह हिंदी के रूप में विकसित मानी जाती है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण आपको जानना है कि इसका विकास का क्रम क्या माना जाता है। तो विकास का जो क्रम है, विकास के जो क्रम में ही सिंधु, और यहाँ पर सिंधु से ये हिंदू, कारण क्या था, कारण ये था क्योंकि ये सास का उच्चारण हा के रूप में करते थे, सप्ताह जैसा कि आपने देखा, और इसको हफ्ता कहते थे। इसी प्रकार से ये सा को यहाँ पर देखेंगे कि ह कहते थे, और इस तरीके से धीरे धीरे विकास हुआ। तो हम लोग कहते भी कि हैं हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोस्ता हमारा, और हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो कहते भी हैं कि तू जितनी मीठी है, तू जितनी सरल है, तू जितनी सुगम है, कहीं तेरा नाम हिंदी तो नहीं है। ठीक है, तो इतना हिंदी बहुत ही सरल परिमार्जित भाषा के रूप में मानी जाती है। अब हम इसका एक ऐसे विकास के बारे में बात करेंगे जैसा कि हमारे संस्कृत के व्याकरणाचार्य इसके विकास के बारे में बात करते हैं, संस्कृत के व्याकरण के विकास के बारे में बात करते हैं। तो संस्कृत का व्याकरण जो है ये किस आधार पर विकसित हुआ या किसने इस व्याकरण को बनाया, तो इस आधार पर हिंदी के विकास की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी तक आपने इसका एक क्रम सीखा। अब जो विकास की बात होती है, तो सबसे पहला जो संस्कृत का व्याकरण विकसित किया गया, अब संस्कृत भी एक भाषा है, संस्कृत भी एक भाषा है, इसके पहले लोग संकेतों में बात किया करते थे, सांकेतिक भाषा के रूप में बात किया करते थे। संस्कृत भाषा ये जो थी धीरे धीरे अपना रूप बदलने का प्रयास लोगों के द्वारा किया गया, और ये धीरे धीरे परिमार्जित होने लगी। परिमार्जित का मतलब होता है बदला हुआ, यानी कि परिवर्तित, बदला हुआ अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि परिवर्तित। तो संस्कृत के व्याकरण के लिए यहाँ पर एक हमारे अच्छे व्याकरणाचार्य आए जिनका नाम था पाणिनि, और पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण को बनाया, जिन्होंने अष्टाध्यायी या आठ अध्यायों के रूप में इसको विकसित किया। अष्टाध्यायी अर्थात आठ अध्याय के रूप में इसको विकसित माना जाता है, अर्थात धीरे धीरे जब संस्कृत
आई और संस्कृत के बाद में यहाँ पर एक भाषा का विकास हुआ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पाली और उसके बाद में आई प्राकृत। प्राकृत का मतलब है कि जो प्रकृति की भाषा है, प्रकृति की भाषा अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली। धीरे धीरे इस प्राकृत का जब विकास हुआ तो यहीं से एक और बदली हुई भाषा निकली जिसको हमने कहा अपभ्रंश। अपभ्रंश में लगातार परिवर्तन होते गए जिसे हम परिमार्जित भाषा भी कहते हैं, परिमार्जित या परिष्कृत भाषा भी इसको हम कह देते हैं। लगातार इसमें लोगों ने अपने हिसाब से परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप लोग देखते होंगे सामान्य तौर पर लोग बोल देते हैं कि हम जा रहे हैं आटा पिसवाने जा रहे हैं, तो आटा नहीं, अगर हम सही दृष्टिकोण से बात करें तो गेहूं पिसवाया जाता है ना कि आटा पिसवाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, लोग आपस में घरों में बात कर लेते हैं कि बाजार जाना है और बाजार से फल फ्रूट ले आना, तो बाजार से फल फ्रूट का मतलब नहीं, या तो फल लाएंगे या फ्रूट, यानी दोनों दृष्टिकोण एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते, दोनों बातें एक साथ प्रयोग नहीं की जा सकती हैं। तो बाजार जाना और वहाँ से फल ले आना, तो लोगों ने अपने हिसाब से जिस भाषा में भ्रंश डालना शुरू किया या परिवर्तन डालना शुरू किया उसको हमने अपभ्रंश का नाम दिया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी अपभ्रंश के पांच रूप हैं, यानी भाषा जो हिंदी है, हिंदी की पांच उपभाषाएं हैं जिसमें से हम पांचों अपभ्रंश की बात बाद में करेंगे, अगली क्लास में, नहीं तो क्लास हमारी बड़ी हो जाएगी, अभी तो सिर्फ हम शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अपभ्रंश पांच प्रकार का, यानी हिंदी प्रश्न भी पूछता है सीधे कि अपभ्रंश कितने प्रकार का होता है, तो पांच प्रकार का होता है। अगर आपसे इसी प्रश्न में पूछ ले कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो पांच उपभाषाएं हैं, जैसे बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, तो ये अपभ्रंश में पढ़ेंगे हम लोग। एक और प्रश्न यहीं से पूछता है कि हिंदी की बोलियां कितनी हैं, तो हिंदी की 18 बोलियां, सीधे प्रश्न आता है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो पांच। अगर हिंदी की बोलियां कितनी हैं, तो 18। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछता है। धीरे धीरे फिर और परिवर्तन हुए, इसके बीच में एक और विकास हुआ और धीरे धीरे भाषा में बिगड़ापन आता गया जिसको हमने नाम दे दिया अवहट्ट। और अवहट्ट के बाद धीरे धीरे यहाँ पे विकास हुआ हिंदी का, और हिंदी से धीरे धीरे लोगों ने और परिवर्तित कर दिया क्योंकि हिंदी में भी बहुत प्रकार से लोग अपने अपने हिसाब से लोग बोलने लगे। कोई बोलता है अपने यहाँ जल बोलेगा, तो कोई पानी बोलता है, तो कोई नीर बोलता है, तो कोई तोय बोलता है, अपने हिसाब से लोग अपने अलग अलग परिवेश में अपने अलग अलग क्षेत्र के आधार पर इसको लोग बोलना चाहते हैं और बोलते भी हैं। जैसे कहा भी गया है कि कोस कोस कर पानी बदले और पांच कोस पर बानी, तो बानी भी बदलती रहती है, अपने हिसाब से लोग परिवर्तित करते रहते हैं। तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और लोगों ने अब जो हिंदी प्रयोग करना शुरू किया जिसका नाम है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी के रूप में अब हम लोग जो पढ़ते हैं जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है, सामान्य हिंदी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे जो संवैधानिक रूप से, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त है 14 सितंबर 1949 को, क्योंकि हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख वर्तमान समय में है, और जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था उस समय भाषाओं की संख्या थी 14। इनमें भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें जो संशोधन हुए, जैसे 21वां संशोधन हम लोग बात करेंगे भी, 71वां संशोधन हुआ इसमें जैसे सिंधी जोड़ी गई और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई, तो इन पर भी हम बात करेंगे। एक और संशोधन हुआ 92वां संशोधन, इन पर लगातार बाद में बात करेंगे। तो सामान्य हिंदी का रूप जो है संवैधानिक रूप से 14 सितंबर 1949 को जिस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया उसके रूप में सामान्य हिंदी हम लोग अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ेंगे। हमने सीखा कि यहाँ पर संस्कृत क्योंकि हिंदी की जननी मानी जाती है और हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा के रूप में मानी जाती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि हिंदी की जो जननी है वह कौन है,
तो हिंदी की जननी संस्कृत है। अब पूछेगा कि संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा कौन सी है, तो संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा हिंदी है। हिंदी को हम उत्तराधिकारिणी भाषा के रूप में मानते हैं। एक प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पूछा जाता है कि जो हिंदी है यह किस परिवार की भाषा है, तो भारूपी परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है, भारूपी परिवार की भाषा है। परिवार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि भारत में चार भाषा के परिवार हैं, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि भारूपी परिवार हो गया, और दूसरा आपका द्रविड़ परिवार हो गया, और तीसरा आपका इंडो ऑस्ट्रिक परिवार हो गया, और चौथा जो आपका परिवार है वह चीनी तिब्बती परिवार है। तो इस तरीके से हम लोग लगातार एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी आपने सीखा कि जो भाषा थी संस्कृत, और संस्कृत से विकास हुआ पाली का, और पाली जो है ये वाली भाषा जो है अशोक के स्तंभ में बोली जाती थी, और प्राचीन इतिहास के संदर्भ में प्राकृत धीरे धीरे बदलना शुरू हुई प्रकृति का रूप या स्वाभाविक स्वरूप के रूप में, या इसको हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जन अर्थात कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा इसको हम ग्रामीण के तत्सम के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, गंवार। तो ऐसी भाषा हालांकि वो स्वाभाविक है लेकिन लोग इसको कह देते हैं कि नहीं यह गंवारों की भाषा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे ये प्राकृतिक भाषा के रूप में मानी जाती है, अर्थात इसे स्वाभाविक भाषा। हम लोग अभी बात करेंगे कि प्राकृतिक भाषा कौन सी है। अपभ्रंश अभी मैंने बताया कि बदला हुआ रूप है, जिसको परिष्कृत या परिमार्जित भाषा के रूप में भी हम जानते हैं। अवहट और भी बदला हुआ रूप, हिंदी जो हम लोग प्रयोग करते हैं आधुनिक हिंदी जो लगातार बिगड़ैल भाषा के रूप में, जैसे बोल देते हैं मजा आती है। अब क्या है सेंटेंस में, यानी कि जो वाक्य है वाक्य की सुचिता को ही पूरा खराब कर दिया जा रहा है। धीरे धीरे परिवर्तन इस प्रकार से आ रहे हैं, मजा आता है ना कि आती है, क्यों, क्योंकि जो क्रिया है वो हमेशा कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाएगी। तो इसीलिए हम व्याकरण में पढ़ेंगे सामान्य हिंदी का जो रूप है आधुनिकता के साथ साथ बदलते हुए इस परिवेश में, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज़्यादा लगातार पड़ रहा है जिससे कि हम अपनी भाषा में भी मिलावट को लगातार देखते हैं, शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं लोग। जैसा कि मैं भी आपके सामने पढ़ा रहा हूं और देखा होगा कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यहां पे इस्तेमाल हो जाती है। कारण क्या है, क्योंकि धीरे धीरे जो व्यक्ति इस मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसको वह लगातार ग्रहण करता रहता है, अर्जित करता रहता है। कारण क्या है, क्योंकि भाषा समाज के द्वारा अर्जित होती है, भाषा समाज के द्वारा अर्जित होती है। दो चीजें होती हैं, आप सभी लोग पढ़ेंगे भी, एक होता है अर्जन और एक होता है अधिगम। अधिगम जो होता है इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, अधिगम के लिए क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, और अर्जन जो होता है वह स्वतः हो जाता है। अर्थात भाषा जो है यह समाज के द्वारा अर्जित संपत्ति होती है, ना कि प्राकृतिक संपत्ति के रूप में मानी जाती है। व्यक्ति या बालक का जो विकास होता है उसके परिवार में भाषा का अर्जन करके होता है, और धीरे धीरे वह विद्यालयी भाषा को का प्रयोग लगातार वह करता रहता है। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमारा जो है कि क्या जो हिंदी है ये हमारी राष्ट्रभाषा है या कि मातृभाषा है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। कई लोगों को मैंने देखा है बोलते हुए कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है या मातृभाषा है। तो इस डाउट को आप अपना दूर कर लीजिएगा, जो हिंदी है यह हमारी राजभाषा है। कौन सी भाषा है, राजभाषा है। जैसा हमने आप सभी को अभी बताया कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी, तो हिंदी हमारी राजभाषा और मातृभाषा के रूप में तो है ही है। मातृभाषा क्योंकि यह हमारे भारत में अधिकतर क्षेत्र पर बोली जाती है, लगभग में आप यहाँ पे बात करेंगे तो 75% हिस्से पर, जिसमें आप देखेंगे दिल्ली हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और बिहार हो गया, यूपी हो गया, और झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
और ये जो राज्य हैं हरियाणा हो गया, ये सभी राज्य हिंदी भाषी राज्यों में आते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य हैं जो हिंदी भाषी हैं, अर्थात हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। अब राजभाषा का एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि राजभाषा जो है इसको और किस नाम से जानते हैं। तो राजभाषा को हम लोग कहते हैं कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा, अर्थात इसको हम कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको हम मान सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको मान सकते हैं, यानी कि कामकाज की भाषा के रूप में मान सकते हैं। राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। राष्ट्रभाषा जो होती है, राष्ट्रभाषा जिसको हम लोग नेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज का जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दायरा होता है वह यह है कि वह भाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा जो समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है। राष्ट्रभाषा वह होती है जो समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है और एक ही भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। और इसको हम अन्य भी नाम से जानते हैं, जैसे कि लिंगुआ फ्रांक्वा, इसको भी हम लोग कहते हैं लिंगुआ फ्रांक्वा। यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, लिंगुआ फ्रांक्वा यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है ऐसी भाषा जो सभी को भावनात्मक रूप से एकता के सूत्र में बांधे रखने का प्रयास करती है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हमारी जो हिंदी है पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा के रूप में बोली जाती है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी प्रत्येक राज्य की राजकाज की जो भाषा होगी वह अलग अलग हो सकती है। तो इस आधार पर हिंदी जो है यह राजभाषा के रूप में है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। हाँ, यह मातृभाषा हो सकती है। कौन सी भाषा हो सकती है भाई? मातृभाषा। मातृभाषा प्रत्येक पृष्ठभूमि की अलग अलग होती है। हर क्षेत्रों की जो मातृभाषा होती है वह अलग अलग होती है। अगर व्यक्ति तमिलनाडु का रहने वाला है तो उसकी भाषा तमिल होगी, अगर कर्नाटक का रहने वाला है तो उसकी भाषा कन्नड़ होगी, अगर उड़ीसा का रहने वाला है तो उसकी मातृभाषा उड़िया होगी। यानी प्रत्येक क्षेत्र की जो मातृभाषा है वह अलग अलग होती है और प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क का जो विकास होता है वो उसके ही मातृभाषा में होता है। और इस आधार पर सीटेट वगैरह में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या हम मातृभाषा के आधार पर किसी भी बच्चे को उसको पीछे छोड़ सकते हैं? तो नहीं, मातृभाषा के आधार पर किसी भी बच्चे को कक्षा में पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा के हिसाब से शिक्षा देनी होती है, ऐसा कि एनसीएफ भी कहता है। तो मातृभाषा और भाषा के आधार पर किसी को पीछे छोड़ा नहीं जा सकता है। तो मातृभाषा क्या होती है, जिसको हम मदर टंग कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण मातृभाषा वह होती है जो कि बच्चे के माता से शुरू होती है, माँ से शुरू होने वाली भाषा, और उसके घर, उसके परिवार, उसके समाज तथा आसपास के वातावरण में जो बोली जाती है उसको हम मातृभाषा कहते हैं। तो प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क का विकास उसकी ही मातृभाषा में होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किस प्रकार के परिवार में बच्चे के मस्तिष्क का विकास सबसे बेहतर होता है? तो संयुक्त परिवार में। हालांकि इन पर हम लोग विशेष चर्चा ये टॉपिक वाइज और कोर्स के वाइज करेंगे, जैसे सीटेट का होगा तो उसमें करेंगे, हर कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग यहां पर बात होगी। तो मातृभाषा मदर टंग अलग अलग होती, सभी की एक नहीं हो सकती है। तो ये हो गई। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है हम लोग देखेंगे कि भाषा के रूप कितने हैं, कौन कौन से भाषा के रूप हैं, क्योंकि हिंदी परिचय उद्विकास के साथ साथ हम लोग भाषा पढ़ रहे थे और मैंने बताया कि यह भास धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है, अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि जिसका अर्थ होता है बातचीत करना, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। और भाषा के रूपों की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण एक जो रूप है जिसको हम कहेंगे मौखिक, मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा है
जो कि हम बोल करके अपनी भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और इसके बाद में है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या है? जिसमें हम लिख करके अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। बाकी हमारा वीडियो लंबा ना हो और आप लोग बोर भी ना हो, तो इसकी वजह से हम अभी सिर्फ अभी मैंने बात की हिंदी परिचय, यानी कि हिंदी का जो उद्विकास है ये कैसे हुआ, किस शब्द से हुआ। तो एक बार आप फिर देख लीजिए, संस्कृत के भास धातु से हुआ, और धातु का मतलब है धातु, क्रिया का जो मूल तत्व होता उसे धातु कहते हैं, इसका अर्थ है बातचीत करना। और हिंदी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर फारसी कवि के द्वारा किया गया जिनका नाम है औफी। अब पूछा जाए हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। किसने किया, यानी कि यहाँ पर तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन यजदी के ग्रंथ जफरनामा में इस हिंदवी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो ये हो गया हिंदवी नाम से सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। अब इसके बाद में हम लोग उद्विकास के बाद में यहाँ पर पढ़ेंगे भाषा के रूप कौन कौन से हैं, और भाषा यानी कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी उपबोलियां हैं। अगली हमारी जो क्लास होगी इस पर होगी कि भाषा के रूप क्या है। ये हमारी अभी पहली क्लास है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगली क्लास में आप सबसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।